पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इमरान खान पर अटोक जेल में ही सुनवाई की जाएगी। इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियली सिक्वेट एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। न्यूज 18 के ओपी तिवारी की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 के ओपी तिवारी के मुताबिक पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालय ने इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, और डिटेल इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस मामले में चूंकि वहां के कानून मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है, लिहाजा मुकदमे की सुनवाई आज से ही शुरू कर दी गई है। जिस जेल में इमरान खान बंद है उस जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इस मामले की सुनवाई आज से शुरू कर दी गई है। एक विशेष मजिस्ट्रेट जेल पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि फौजी प्रशासन को संभवतः डर था, इमरान पाकिस्तान के फौजी हुकुमरान को शायद डर था कि अगर इस मामले में तत्काल सुनवाई नहीं मिलती है तो इमरान खान के वकील फिर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जहां हमें बताएंगे कि इस मामले में अभी तक सुनवाई नहीं मिली है मुकदमा चलाने की, लिहाजा इस मामले में उन्हें जमानत दी जाए। यही है कि कल देर शाम इस मामले में कानून मंत्रालय ने इस मामले में सुनवाई प्रदान कर दी और आज से इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी गई है। संभवतः इस मामले में ये भी आशंका जताई जा रही है कि मामले में इमरान खान को जो है कैद की सजा हो सकती है। तो इमरान खान की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया ओपी तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। खेल की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान, देखिए सबसे बड़ी कवरेज। जीतेगा भाई जीतेगा। सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। और कुछ लोगों ने तो इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों पर बंदूकें तक तान दी। वहां से सामने आया एक वीडियो में कुछ लोग अपने घर से बंदूक लेकर बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों को धमकाते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में तो बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों और लोगों के बीच मारपीट होती भी नजर आई। आरोप है कि बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान बिजली कंपनी के उन कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस लड़ाई को शांत कराया, तब कहीं जाकर उन्हें राहत मिली। पाकिस्तान के कई शहरों में महंगे बिजली बिलों पर मानो बगावत छिड़ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से सामने आए एक वीडियो में तो बाकायदा एक मस्जिद से यह ऐलान तक किया गया कि वहां के लोगों को बिजली बिल भरने की कोई जरूरत नहीं। और ये धमकी भी दी गई कि अगर बिजली कंपनियों ने मनमाना बिल वसूलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। मीरपुर से सामने आए इस वीडियो में वहां की एक मस्जिद में लोगों से महंगे बिल न भरने की अपील की गई। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिलदार वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। इस दौरान ये धमकी भी दी गई कि अगर वहां रहने वाले एक भी शख्स के घर की बिजली काटी गई तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। मस्जिद से ये भरोसा भी दिया गया कि अगर किसी के घर की बिजली काटी गई तो उसे दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी भी मस्जिद एसोसिएशन की होगी। आरोप लगाया गया कि सरकार ने अपनी जेबें भरने के लिए बिजली के बिलों में अचानक इजाफा कर दिया, जिसका बोझ वहां की जनता के कंधों पर आ गया।